देखो ऑब्जेक्टिव शीट 77 हमने स्टार्ट ही की थी, एक बार इसे एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसके अंदर क्या गिवन है कि इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में YDS एक्सपेरिमेंट है, S1 S2 दो स्लिट्स हैं, इसके अंदर कोहेरेंट सोर्सेज हैं और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वहाँ से वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। वो क्या कह रहा है कि किसी भी और स्मॉल डी की वैल्यू आपको गिवन है, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है। किसी भी पॉइंट पर स्क्रीन पे हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं और वो इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आपको गिवन है। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा का मतलब कि थीटा की वैल्यू, थीटा क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते थे डी साइन थीटा, वो थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर चेंज होगी तो इंटेंसिटी चेंज होगी। थीटा चेंज होने का मतलब क्या है? थीटा चेंज होने का मतलब है कि जैसे सपोज करो ये आपके पास स्क्रीन है और ये आपके पास दो स्लिट्स हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये आपके पास दो वेव्स हैं, तो ये जो एंगल था वो थीटा था और ये पाथ डिफरेंस क्या था? डी साइन थीटा। ठीक है, ये डिस्कस किया था शॉर्टकट हमने, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा चेंज करूंगा तो वो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, और पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? चेंज होगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्वेश्चन में गिवन है आपको निकालना है इंटेंसिटी क्या होगी जब एंगल 30 है, 0 है और 90 है। तो रूल नंबर वन, आपने पहले लैम्डा निकाल लिया। आपको ये पता है किसी भी पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होता है? डी साइन थीटा होता है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या किया था? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी साइन थीटा क्या आ गया? फेज डिफरेंस। तो मेरे को इस क्वेश्चन में लैम्डा पता है, डी पता है, तो थीटा की फॉर्म में मैंने क्या निकाल लिया? फेज डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये तो लंबा तरीका है। आप इसमें ऐसा करें, इसके अंदर आप आई नॉट, इसमें क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? 4I0, पर यहाँ पर क्या है? आई नॉट। तो मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्टकट बताया था कि जब आई नॉट इंटेंसिटी होती है तो 4I0 की जगह मैक्स ये रहने दो, मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो फाई की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर यहाँ पुट कर दें, पाई इंटू साइन थीटा। तो जब फाई की वैल्यू पुट करेंगे पाई साइन थीटा बाई टू, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। आपने कुछ नहीं करना, थीटा को पुट करना है जीरो, आंसर आएगा 30 90। तो आप यहाँ पर थीटा पुट करते जाओ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती जाएगी आंसर। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने इसमें, ठीक है? उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है और टू स्लिट्स हैं, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ क्या गिवन है? छोटा डी गिवन है। इंटरफेरेंस 1 मीटर दूर है तो कैपिटल डी गिवन है। थिन ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस गिवन है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस बिटवीन वन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन। हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर दो वेव्स आ रही हैं और एक वेव के रास्ते में ग्लास स्लैब को हमने रख दिया, एक में नहीं रखा एक में रख दिया, तो पूरी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती हैं बाय सम अमाउंट, लास्ट टाइम किया था। तो फाइंड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इफ आई नॉट इज इन द एब्सेंस ऑफ प्लेट। तो अगर प्लेट नहीं रखते, ग्लास प्लेट, तो इंटेंसिटी आई नॉट है। तो अगर मैं प्लेट रखता हूँ, निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ये भी बताना है कि लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि पूरा फ्रिंज शिफ्ट बाय सम अमाउंट, वो कितना शिफ्ट होगा आपको ये भी बताना है, ठीक? तो इसके लिए कितना शिफ्ट होता है, हमने ये डिस्कस किया था म्यू माइनस वन इंटू टी, याद है? ग्लास स्लैब रखने से शिफ्ट कितना होता है ये हमने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम। तो ये बताओ कि फेज डिफरेंस में कितना शिफ्ट आ जाएगा? जो सेंटर पॉइंट है वहां पर अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो फेज डिफरेंस तो जीरो होता है, पर ग्लास स्लैब रखने की वजह से फेज डिफरेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपके पास पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस का 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस ये क्या आ गया? फेज डिफरेंस। तो आप इस फॉर्मूले में फाई की जगह 3π पुट करके क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि वैसे अगर ग्लास स्लैब नहीं है, लास्ट टाइम ये लेक्चर किया था हमने, ग्लास स्लैब नहीं है तो सेंटर पॉइंट पर फेज डिफरेंस जीरो होता है, लेकिन ग्लास स्लैब है तो इतना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा कवर करेगी वेव। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने क्या निकालना है? इसका फेज डिफरेंस, और उस फेज डिफरेंस को इंटेंसिटी में पुट कर देना है आपने रिजल्टेंट में, और वहां से आपके पास आंसर आएगा एक आंसर। पूरा पैटर्न कितने डिस्टेंस शिफ्ट होता है ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया था, डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। इस फॉर्मूले में टी का मतलब ग्लास स्लैब की थिकनेस है, म्यू आपको पता है, डी और डी पता है, यहाँ से आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है जो हमने फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है? अब जैसे सपोज ये एक क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है?
डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हमने दो ही फिनोमेना किए, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के अंदर वो कह रहे हैं फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन करते हैं अगर रेड लाइट को यूज़ किया जाता है, और उसी पॉइंट पर क्या ऑब्टेन होता है, फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्टेन होता है सम अदर वेवलेंथ लैम्डा का। तो यानी कि रेड आप लैम्डा यूज़ करते हैं और एक और वेवलेंथ यूज़ करते हैं, अगर रेड यूज़ करते हैं तो उसी पॉइंट पर फर्स्ट मिनिमा ऑब्टेन होता है, और अगर कोई और वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा ऑब्टेन होता है, लेकिन पॉइंट रिमेनिंग द सेम। तो फर्स्ट मिनिमा का मतलब क्या होता है, ए साइन थीटा एन लैम्डा में एन की जगह क्या पुट करेंगे, वन, और राइट लाइट जो है लैम्डा की जगह लैम्डा रेड साइन थीटा आ गया। और अगर मैक्सिमा की कंडीशन डिफ्रैक्शन में लगाते हैं तो ये मैक्सिमा की कंडीशन है, फर्स्ट मैक्सिमा में एन की जगह वन, लैम्डा की जगह लैम्डा डैश। पर वो कह रहा है कि पॉइंट तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, अगर पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ तो थीटा की वैल्यू शिफ्ट नहीं हुई, तो साइन थीटा और साइन थीटा डैश का मतलब एग्जैक्टली सेम है, अगर पॉइंट शिफ्ट होगा तो थीटा शिफ्ट होगा, अगर पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो थीटा शिफ्ट नहीं होगा। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम करके, दोनों का राइट हैंड साइड सेम करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को भी। तो आपने फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन, फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन, पॉइंट शिफ्ट नहीं हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू रिमेनिंग दी सेम, इक्वेट कर देना। इसी के अंदर जैसे एक और क्वेश्चन था, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ डिफ्रैक्शन इज मेजर्ड। वो कह रहा है ठीक है एंगुलर विड्थ को मेजर करने जा रहे हैं। एंगुलर विड्थ अगर आपको याद है तो एंगुलर विड्थ क्या होती थी कि जैसे ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमा की, ये सेंटर पॉइंट है, ये फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, ये फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये क्या था, एंगुलर विड्थ थी, याद है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ थीटा और थीटा क्या आती थी, टू थीटा आती थी। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, टू लैम्डा बाय ए करवाया था, और लैम्डा थीटा एंगुलर विड्थ है, तो एंगुलर विड्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, ये भी किया था। तो एंगुलर विड्थ किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पहले मैंने लैम्डा क्या यूज़ किया, 6000, तो एंगुलर विड्थ आई होगी थीटा। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने एक और वेवलेंथ को यूज़ किया, तो लैम्डा की जगह लैम्डा डैश यूज़ किया, तो जिससे कि एंगुलर विड्थ डिक्रीज हो गई बाय 30%। तो यानी कि अगर थीटा नॉट एंगुलर विड्थ थी पहले, अब कितनी होगी, 30% गिर गई, कम हो गई, तो कितनी बची, 70% ऑफ थीटा नॉट। क्लियर है यहां तक? तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी, 70, इतनी रह गई। तो जो पुरानी एंगुलर विड्थ है थीटा है, जो या थीटा नॉट है रादर, जो किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा। अब जो नई एंगुलर विड्थ है वो कितनी है, 0.7 थीटा नॉट है, और किसके प्रोपोर्शनल, लैम्डा डैश। आपको एक वेवलेंथ गिवन है, आपको दूसरी वेवलेंथ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, कि एंगुलर विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो जैसे जैसे वो एंगुलर विड्थ को डिक्रीज करके जा रहा है, वैसी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही है कि एंगुलर विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक, इसका एक और पार्ट भी है। अब वो कह रहे हैं एक तो आंसर आ गया वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, अगला पार्ट है सेम डिक्रीज इन वेवलेंथ वाज ऑब्टेंड, यानी कि वेवलेंथ फिर से डिक्रीज इन वेवलेंथ वाज ऑब्टेंड व्हेन अपरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। वो कह रहे हैं फिर से एंगुलर विड्थ 30% फिर गिर गई, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, अपरेटस को किस में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो म्यू निकालो क्या होगा। तो इसका एक और पार्ट है। तो दूसरा पार्ट ये रहा, लिक्विड के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, जो एंगुलर विड्थ होती है लिक्विड में, जो एंगुलर विड्थ है वो किसके पर, जो किसके इक्वल होती है, बाई म्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंगुलर विड्थ होती है, याद रखना, जो एंगुलर विड्थ होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा। अगर हम लाइट को मीडियम चेंज कर दें तो लैम्डा क्या हो जाता है, लैम्डा बाई म्यू, तो थीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई म्यू, सिंपल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एंगुलर विड्थ भी डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ लैम्डा। तो यही वो कह रहे हैं, जब हमने अपरेटस में डाला, अपरेटस को म्यू में डाल दिया, तो नई एंगुलर विड्थ क्या होगी, जितनी पहली थी डिवाइडेड बाय म्यू। लेकिन उसने कहा कि एंगुलर विड्थ सेम अमाउंट से डिक्रीज भी हो गई, 30% डिक्रीज भी हो गई, तो 30% डिक्रीज होने का मतलब कितनी बची, 70% ऑफ थीटा नॉट। तो एक तरीका ये है डिक्रीज करने का, एक तरीका उसने क्वेश्चन में गिवन है 30% डिक्रीज हो रहा है, मतलब म्यू में डालने से ये फैक्टर आता है, और वैल्यू उसने बता दी 70% रह गई। इन दोनों को इक्वेट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
न्यू. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब आप इतना भी नहीं है, आपको याद होना चाहिए रिजल्ट. पहला रिजल्ट इसमें ये यूज़ हो रहा है कि एंगुलर विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और दूसरा रिजल्ट ये यूज़ हो रहा है कि अगर आप किसी भी इस पूरे अपरेटस को म्यू में डाल देते हैं तो लैम्डा भी वन बाई म्यू हो जाता है और एंगुलर विड्थ भी वन बाई म्यू हो जाती है. बस ये दो फैक्टर याद रखने और कुछ नहीं करना है इसमें. तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस टाइप से इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. तो आई होप यहाँ तक क्लियर है.